हमारी भाभी रो रही है, हमारी भाभी रो रही है देख के, तो हमने कही हम उतर भी देखन जाए भाई साहब को। हम लोग इधर ही धरना धरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे भाई, मेरा भाई हम लोग घर में ही मर जाएंगे, पता नहीं कितनी बहनों की जान जाएगी। मेरे भाई को रिहा कर दो, सपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह दीपक यादव को और भी कई नामों से जानो जाते हैं। कई लोगों ने बाहुबली के नाम से जाना था, तो कई लोग उन्हें दीपक दद्दा के नाम से बुलाते हैं। बहुत जो सपा के समर्थक हैं या दीपक यादव के समर्थक हैं, वे विधायक जी कह के आज भी दीप नारायण सिंह को बुलाते हैं। लेकिन दीपक यादव को एक और नाम है जो अक्सर सोशल मीडिया या उनके समर्थक अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखत नज़र आते हैं। वो नाम है 1001 बहनन के भाई। 1001 बहनन के भाई को जिक्र हम इसे कर रहे कस दीप नारायण सिंह दीपक यादव ने विधायक रहते या उनकी पत्नी विधायक रहती, इस दरमियान सामूहिक विवाह योजना में कई सैकड़ों लड़कियों की शादी कराई। कही जाते हैं कि 1001 बहनन की शादी कराई है। और जब जब भी ऐसो भाई बहन को कोनो पर्व आते हुए, चाहे वो रक्षाबंधन हो या भाई दूज को पर्व हो, दीपक यादव या तो खुद पहुँचत हैं या बहनन को बुलाते हैं, या अपनी तरफ से नहीं पहुंच पाते हैं तो कछु ना कछु गिफ्ट उपहार या अपनों संदेश बहनन तक पहुंचावे को काम करते हैं। हाल ही में दीपावली की दोज मनाई गई, लेकिन ई बार दीपक यादव की तरफ से ऐसो कछु नहीं करोगो। इको कारण है, आप सबको पतो है कि दीप नारायण सिंह दीपक यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख लेखराज सिंह को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ावे के आरोप में जिला कारागार में बीते एक महीना से भी ज़्यादा के समय से निरुद्ध चल रहे हैं। इके बाद जब बहनें आज RTO ऑफिस स्थित उनके घर पहुंची, तो उनकी मुलाकात भई पूर्व विधायक निवाड़ी मीरा यादव और दीपक यादव की पत्नी मीरा यादव से। सैकड़ों की संख्या में बहनें उनके आवास पर पहुंची, उनके घर पहुंची, मीरा यादव से मिली, तो मीरा यादव भी बिलख पड़ी, उनकी बहनें भी बिलख पड़ी, गले लग के मिले सब लोग। लेकिन ई के बाद जो भाव उसे अधिकारी भी हल गए हुई हैं कि तुम कैसे भी बहनें मैजकन में भर के टैक्सियन से जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, DM के द्वारे पहुंची और फिर DM को घराव करवो शुरू करवे की कोशिश करी, नारेबाजी करत भई हमारे भैया को न्याय दो। ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलन लगी हैं। सैकड़न की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंची बहनें, उतः अधिकारी से मिली और अपने भाई को न्याय देवे के लाने हुंकार भरी। कल आपको बता दें कि सपा के कद्दावर नेता और बुंदेलखंड के बड़े नेता माने जावे वाले चंद्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में झांसी के कचहरी चौराहे पर भी एक बड़ो प्रदर्शन करोगा, जिसमें सैकड़न समाजवादी शामिल भए थे। इस दौरान चंद्रपाल सिंह यादव ने भी हुंकार भरी थी कि अब जा केवल शुरुआत है। और आज जो दूसरे ही दिन सैकड़न की संख्या में बहनें कलेक्ट्रेट पहुंची, DM के नाम से एक ज्ञापन सौंपोगा, अधिकारियों ने वार्ता करी। 15-20 मिनट तक अधिकारी समझात बुझात नजर आए बहनन को, लेकिन भी नहीं मानी। हालांकि बाद में कोनो तरीका से समझा बुझा के उन्हें वापस भेजोगा, आश्वासन दोगो। बहनन की मांग हती कि उनके भाई को फर्जी मामले में फंसाव जा रहा है, राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाव जा रहा है। जी कछु वीडियो हम आपको दिखावो चाह रहे कि कैसे जब जो इतनी बहनें हैं दीप नारायण सिंह की, उनके घर पहुंची, मीरा यादव से मिल रही हैं, वे भावुक कर देवी वाली तस्वीरें भी आप देखो। फिर इके बाद कौन तरीका से हुंकार भरत है, नारेबाजी करत है, कलेक्ट्रेट में पहुंची ये सब दीपक यादव की बहनें, जिनकी दीपक यादव ने शादी कराई, दीपक यादव और मीरा यादव ने इन लोगों को कन्यादान लाओ, कनू की शादी 2007 में भाई, कनू की शादी 2010 में करी गई दीपक यादव के द्वारा। ये तमाम जब बहनें इकट्ठी होकर अपने परिवार के संगे पहुंची, कछु लोग झांसी की और निवाड़ी मध्य प्रदेश के अलग अलग गाँव से जो लोग निकल के आज जब जिला मुख्यालय पर पहुँची, तो अधिकारी भी बाहर निकले अपने दफ्तरन की कुर्सी छोड़ के और उनसे बात करी, उनकी मांग सुनी, उनकी बातें सुनी। और जो भी हम आपको सुना रहे हैं कि का बात करी उनने मीडिया कर्मियों से जो बहनों तक पहुंची थी, ज्ञापन सौंपा होगा बाकायदा जिलाधिकारी के नाम से। देखो जा आप रिपोर्ट। हमारे भाई को रिहा कराने के लिए आए हैं हम दीप नारायण सिंह यादव। हम दूज पे आए थे तो हमारा भाई मिला नहीं,
तो हम लोगों को बहुत बुरा लगा। हर बार वो बुलाते हैं, हर त्योहार पे हमको बुलाते हैं, इस बार वो हमें मिला नहीं, इस बार वो हमें मिले नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने सबने सलाह करी कि चलो अपने भाई को फंसाया गया है। लेखराज से उनके कोई संबंध नहीं थे, आप जांच करा लीजिए, ऐसा करा लीजिए। हमने मुख्यमंत्री जी को निवेदन भी भेजा है, उनने हमारी कोई सुनाई नहीं की। हम अपने भाई को छुड़ाना चाहते हैं, अपने भाई को छुड़ाना चाहते हैं, मांग करते अपने भाई को ही लेके जाएंगे। फर्जी मुकदमा वापस लो, हमारे भाई को रिहा करो, भूख हड़ताल नहीं तो हम भी यहीं पे भूख हड़ताल करेंगे। जो शासन प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई हो रही है जी सर, ये गलत है या सही है? गलत है।